फाजिलका के भारत पाकिस्तान सरहदी इलाके के गांव रूपनगर के नजदीक भारत पाकिस्तान सरहद क्रॉस करके एक पाकिस्तानी नागरिक भारत में दाखिल हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद बीएसएफ के जवानों ने उसे काबू कर लिया। इसके बाद उसे थाना खुईखेड़ा पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां पुलिस द्वारा इस मामले में थाना खुईखेड़ा में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी लास्ट नाइट साढ़े को जी इनफॉर्मेशन आई सी बी एस एफ वालों और मॉर्निंग उन्होंने सानू एक जो सस्पेक्टेड बंदा हैगा जी उन्हें पढ़ के साढ़े पेश किया जी तो अकॉर्डिंग लॉ वो जोड़ा असी मुकदमा जोड़ा दर्ज कर दिता तो नैक्सट जी फरदर इनवैसटीगेशन कैरी ऑन है जो भी अगला कोई गलबात होगी वो डेफिनेटली रिवील की जाएगी। हाँ यदा पिंड जो यदि एज पर वर्बल इंटरोगेशन सानू पता लग गया कि फराम वाला सीगा पिंडे दा ते बाकी कोई नैक्सट अजे कोई ज़्यादा गलबात जी बोल नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा उच्ची नहीं बोल रहा कई गल्लां सस्पेक्टेड हैगियां वो असी देखते हैं फरदर इनवैसटीगेशन की आउंदी है। नाम वाला मुकर्रम शरीफ है जी नाम दा डिस्ट्रिक्ट है जी बहावल नगर लास्ट नाइट मतलब ईवनिंग तो चलो नाइट ही सी जी जो ये क्रॉस करने की कोशिश की तो बी एस एफ ने इन काबू किया जी तो मॉर्निंग साढ़े हवाले करता जी रूपनगर जी रूपनगर। हाँ जी नहीं कुछ नहीं मिले जी ये कोदा ही सर ना ही कोई आइडेंटिटी कार्ड है ना ही कोई होर कागज़ मिले जी किसी भी तरह की कोई चीज़ जी इतों बरामद नहीं। हाँ जी हाँ जी इन्हें अपनी सारी जो भी है एड्रैस वगैरह लिखाया सारा याद नहीं कुछ फरदर अजे कोई यही गलबात नहीं आई क्योंकि नैक्सट जो भी होगा वो अगर इंटरोगेशन का पार्ट है। नहीं जी देखो वो तो फिर जो भी है इंटरोगेशन दौरान बंदा कई गल करता है जी क्योंकि कला यह मकसद नहीं हो सकता कि मतलब फैंस को क्रॉस करना कुछ होर होया तो वाजिब हो सकता तो हीरो मिलने वाली गल जी है वो अजे वाजिब नहीं। हाँ जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया 52 नंबर मुकदमा जो असी दर्ज किया पासपोर्ट एक्ट नहीं दूर ही है जी 10-15 किलोमीटर दूर है जी स्पेशल हाँ कह सकते हैं जी नहीं फैमिली मैंबर तो 4-5 है जी ये ज़्यादा उच्ची लाउड बोलता ही नहीं है कई गल्ला अजे दौरान इंटरोगेशन पता लग नहीं जी साढ़े नाल जी बीएसएफ नाल कोई संपर्क होया हो तो गल अलग है साढ़े नाल कोई मैसेज लगाया गया नहीं फिलहाल नहीं बचा।